हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल कुक विथ रेनू मौर्या में। और गर्मियों का मौसम चल रहा है और इसमें जो खाना होता है हमारा थोड़ा सा फीका फीका लगता है, कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। तो अगर आप हरी सब्जी खाते खाते ऊब गए हो तो ये सब्जी आप ज़रूर बनाइएगा। मात्र एक केले से ये पूरे परिवार के लिए आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होती है। और इसमें मैंने कुछ अलग से टिक्स वगैरह यूज किए हैं जिसे सब्जी और स्पेशल हो जाती है। तो आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए अब बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने एक केला ले लिया है। देखिए ये मेरा केला है, थोड़ा सा बड़ा साइज का है। तो इसके हम दोनों किनारों का हम डंठल काट लेंगे और काट के इसको कुकर में हम डाल देंगे। इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हम आधा गिलास के आसपास पानी रखेंगे और उसके बाद हम इसको गैस पर 2-3 सीटी लगने तक इसको हम उबाल लेंगे। देखिए उबलने के बाद ये जो है छिलका खुद ही उतर जाता है, इसका उतारने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये जब थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है तो इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद हमने इसमें डाली है ये कटोरी बेसन और इसमें हम 3 चम्मच डाले हैं चावल के आटे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा का भी यूज कर सकती हैं। तो उसके बाद हम इसको अच्छे से इसको छान लेंगे और छानने के बाद इसमें कुछ लहसुन का हम पेस्ट डालेंगे और उसमें उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया, धनिया के पत्ते और थोड़ा सा हम प्याज कट करके इसको हम बारीक काट के डाल लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हमने गरम मसाला डाला है। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, कुछ लाल मिर्च पाउडर डाले हैं और उसके बाद इसको हम अच्छे से हाथों की मदद से ही या चम्मच से आप जैसे भी हो इसको अच्छे से आप मिला लीजिएगा। और मिलाने के बाद इसको देखिए ये थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और उसके बाद डाल के इसको अच्छा सा एक डो जैसा हम तैयार कर लेंगे। और उसके बाद देखिए और हाथ में थोड़ा थोड़ा तेल लगा के और इसको हम एक लड्डू नुमा बना लेंगे और इसका लड्डू जैसा हम शेप देखिए और इसको हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये कितना अच्छा लड्डू ये बन रहा है। तो इसको हम लड्डू जैसा ऐसे गोल गोल करके बना लेंगे। तो देखिए हमने सारे लड्डू अब तैयार कर लिए हैं बना के। तो आप इस तरीके से बना के लड्डू जैसा बना लीजिएगा या तो आप इसको थाली में सेट करके और बर्फ़ी के आकार में भी आप इसको काट सकते हैं। उसके बाद हमने गैस पे रख दी थी कढ़ाई और कढ़ाई में हमने तेल डाल दिए थे और तेल डाल के एक एक करके हमने अब इसको तलना शुरू कर दिया है। तो इसको हम डाल के और मीडियम फ्लेम पर इसको हम 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से हम तल लेंगे। तो देखिए इसको हम बीच बीच में ऐसे पलटते भी रहेंगे ताकि ये चारों तरफ सिक जाए अच्छे से। तो देखिए ये हमारा अब ये तल गया है। आप हमको बस इसी कलर में गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसको बस तलना है और ये ज़्यादा तेल भी नहीं सोखता है, ये बहुत ही कम तेल सोखता है और बहुत ही जल्दी ये तल के और तैयार भी हो जाता है। तो इसको हम तल के तैयार कर लिए। उसके लिए कुछ हमने मसाले तैयार कर लेंगे। तो इसमें हमने 2 बड़े चम्मच दही ले लिया है, उसमें थोड़ा नमक डाल दिए हैं स्वाद अनुसार। और उसके बाद हमने इसमें 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच हम इसमें सब्जी मसाले डाले हैं और 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाले हैं और कुछ नॉर्मल लाल मिर्च डाले हैं। कश्मीरी लाल मिर्च तेज तो होती नहीं है, इससे बस कलर आता है। तो इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च अलग से ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी डाल के इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। उसके बाद हमने गैस पर रख दी थी कढ़ाई और कढ़ाई गर्म हो गई है तो उसमें हमने तेज पत्ते, लाल मिर्च और कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं। उसके बाद जीरा डाल के अच्छे से इसको हम ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन और फिर मिर्च और प्याज डाल के इसको अच्छे से हम इसको हल्का गोल्डन होने तक इसको भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें हम 3 टमाटर का प्यूरी बना के रखे थे वो प्यूरी हम डाल लेंगे इसमें और डाल के इसको अच्छे से हम इसको मिला लेंगे और अच्छे से इसको हम चलाते हुए थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। और फिर इसको हम देखिए थोड़ा सा ये कलर चेंज हो गया है तो इसको हम ढक के थोड़ी देर पका लेते हैं ताकि जो प्याज है थोड़ा अच्छे से वो पक जाएगी। और प्याज हमने पीस के नहीं डाला है, इसको हम काट के ही डालेंगे। और उसके बाद जो हमारे जो मसाले तैयार किए थे उसको हम डाल के इसको 2 मिनट तक थोड़ा सा चला लेंगे ताकि ये इसमें जो दही है वो दही अच्छे से मिल जाएगी और फटेगी भी नहीं है। तो इसको हम डाल के और अच्छे से इसको 2 मिनट तक चला लेंगे और चलाते हुए भून लेंगे। उसके बाद इसको हम ढक के ऐसे पका लेंगे। देखिए ये एकदम से दही इसमें फटी भी नहीं है और अच्छे से एकदम से
अच्छे से इसको भून लेंगे। और देखिए मसाले अब हमारे भून भी गए हैं, तो इसमें हम इसको ढक के हम थोड़ा सा और पका लेंगे, और इसमें उसके बाद हम पानी डाल लेंगे। और जो दही का स्वाद आता है वो बहुत ही अमेजिंग आता है। आप इसको इस तरीके से मसाले बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है ये मसाला बन के तैयार होता है। तो इसमें एक उबाल आने तक हम इसको अच्छे से ढक के और उबाल ले आ लेंगे। उसके बाद जब उबाल आ जाएगा तो देखिए हमारे पकौड़े कितने अच्छे बने हैं। तो उसमें हम इसको डाल देंगे, और डालने के बाद इसको ढक के और 3-4 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे। तो देखिए हमारा इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, और बहुत ही अच्छा ये बनके और तैयार हो गया है। और ये थोड़ा सा आप ग्रेवी अपने अनुसार रखिएगा, आपको कितना ग्रेवी खाना है या थोड़ा सा सूखा खाना है। तो हमने इसको थोड़ा सा सूखा बनाया है। अगर आपको ग्रेवी वाला पसंद हो तो आप ग्रेवी वाला बना लीजिएगा। उसके बाद ऊपर से हम इसमें धनिया डाल देंगे, और धनिया डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला के इसको ढक के और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद अब फिर हम इसको अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे चावल के साथ या रोटी के साथ। इसको कभी भी आप किसी भी डिश के साथ आप इसको खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुआ है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। और इस डिश को एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग ये बन के तैयार होती है। थैंक यू।